हाय गाइज, वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसजीके के बेस्ट क्वेश्चंस पार्ट 11। अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 10 तक कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। आपको इंग्लिश रागा के एक साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से अपने सारे वीडियो देख सकते हैं, कोई भी पार्ट नहीं छूटना चाहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय पास में आएगा बेल आइकन बन के, इसे ऑल पर जाकर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, जो केसर है ये जम्मू कश्मीर में अधिक उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ठीक है, तो यह दामोदर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमोश चंद्र बनर्जी। कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? यह है सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? यह था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 में मिला था नोबल पुरस्कार, सन 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई है? सन 1995 में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और किसने लिखा है? ठीक है, यह है आमार, जो कि सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्या नाम है बांग्लादेश का राष्ट्रगान का नाम? आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का स्थापक कौन था, संस्थापक? यह था बहलोल लोधी। दोस्तों, यह प्रश्न आप भी बताएं कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ठीक है, किस संविधान संशोधन कहते हैं? तो है 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, जिससे कि आसानी से सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। जो होम्योपैथी था उसकी जो स्थापना की थी तो हनीमैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। जो फल पकाए जाते हैं तो एथिलीन गैस से पकाए जाते हैं। जैसे आपने देखा कच्चे केले ले जाते हैं और गोदाम में रख दिए जाते हैं, वहाँ पर जो एथिलीन गैस है उसको लगा दिया जाता है और थोड़ी किसी डिब्बे में किसी में पैक करके रख दिया जाते हैं, तो जिससे कि 4-6 दिन के अंदर केले पक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्पूत का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक है यक्षगान। और पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि पिछले पार्ट में ये पूछा है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो है कर्नाटक का। और कथक किसका है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? ठीक है, जो मैकमोहन रेखा है भारत चीन के बीच की रेखा है। ठीक है, भारत के जो बीच में जो लाइन खींची हुई है इस तरीके से, इधर मान लो चीन है तो इधर भारत है,
उसी मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? प्याज की हम किस भाग को खाते हैं? वह है तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। Hz का मतलब है हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यह है बिहार की। ठीक है, इसकी है बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? वह थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, ये डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? यह था लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी के किनारे लोथल बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार है। ठीक है, आपको ऑप्शन में पामीर मिलेगा या तिब्बत का पठार मिलेगा, दोनों ही नाम है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंग्लिश चैनल पर करने वाला पहला भारतीय कौन था? यह था मिहिर सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है? पृष्ठीय तनाव, जो कि फिजिक्स में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? यह है नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए? ठीक है, इसकी दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? ये फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो ये अपवर्तन के कारण, प्रकाश का जो अपवर्तन पड़ता है उसके कारण आकाश में तारे हमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? ठीक है, ये कहा जाता है LGB। ठीक है, लाल हरा नीला ये प्राथमिक रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? यह है आँख से। ठीक है, जो ग्लूकोमा होता है वो आँख में होता है। ठीक है, जिसके कारण धुंधलापन दिखाई देता है, बिल्कुल साफ नहीं मुझे दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इसका नाम है वेलेंटाइना त्रेशकोवा। क्या नाम है? वेलेंटाइना त्रेशकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरिजन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं श्री चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शनिवार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लेगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के एकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। मछलियों का तेल होता है इसमें विटामिन डी अधिकतर प्राप्त होता है और आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है, जो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। जो आईसी चिप्स होती है ये सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग जरूर बताएं। आपको मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।